हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पैनकेक, जो कि मेरे स्टाइल में। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाजी, हम एक बॉल ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 3 एग। रूम टेम्परेचर में हमने अंडे जो लिए हैं वो रूम टेम्परेचर है। और यहाँ पर जी मैंने आधा कप इसमें चीनी डाली है, यानी कि शुगर। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर जी हमारे अच्छी तरह से, ये देखिए जी, ब्लेंड हो चुका है। यहाँ पर जी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, सॉरी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप इसमें मैदा ऐड करूँगी। यहाँ पर जी मैंने एक कप डाल दिया है और ये मेरा दूसरा हाफ कप है। यहाँ पर जी 1.5 कप मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। और यहाँ पर 1/4 कप मेरे पास कोको पाउडर है, वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड करना है हमें इसमें। और यहाँ पर जी हमने सारी चीज़ें डाल दी है, अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पर जी हमने एक पैन ले लिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। और जो हमने रेडी किया था बैटर, वो सारा बैटर हमने इस बोतल में डाल दिया, ऊपर से हमने होल कर लिया, इससे हमें इजी हो जाएगा मेरे लिए। बस मैं और इसके ऊपर डालूंगी। और यहाँ पर जी हमने 3 डाल ली है। और यहाँ पर जी हमारी ये एक साइड से तैयार हो गए। बिस्मिल्लाह, अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये जी हमारे एक साइड से चेंज होंगे, हम थोड़ी देर दूसरी साइड से रखेंगे। यहाँ पर हमने वो डाल दिए, दूसरे हमारे तैयार हो गए, वो हमने निकाल दिए, तो हमने 4 और डाल दिए इसमें। और यहाँ पर भी हमारी ये भी रेडी हो गए हैं। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। यहाँ पर जी हमने ये पहले वाले गले से निकाल दिए। इसी तरह हम सारे डालते जाएंगे। बड़ी ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। और अभी हम वेट करेंगे एक साइड से, जब हमारे रेडी हो जाएंगे तो फिर हम साइड चेंज करेंगे। और यहाँ पर ये हमारे जो पैनकेक हैं वो हमने सब रखे जी अल्हम्दुलिल्लाह से, ये हमारे डन हो चुके हैं। अभी हम वेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे आने तक का। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसको चॉकलेट में डिप करेंगे। तो मिलते हैं जी 5 से 10 मिनट बाद, कि ये अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और यहाँ पर जी मैंने चॉकलेट को जो है ना वो मेल्ट कर लिया है, थोड़ी सी चॉकलेट मैं इसके ऊपर यहाँ पर डालूँगी। और इसके ऊपर साथ ही मैं दूसरा भी रख दूँगी। यहाँ पर जी मैं दो और यहाँ पर जी मैंने यहाँ पर जी एक सरी ली है, जिसकी मदद से जो ना मैं इसके ऊपर सारी चॉकलेट डालूँगी। Thank you.
यहाँ पर जो मैंने साड़ी लगा ली है ये देखिए, इसी तरह हम सबको सबके ऊपर लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर रखा है, बटर पेपर के ऊपर इसको मैं रखती जाऊँगी लगा के एक एक करके। इसी तरह मैं साड़ी तैयार कर लूँगी और यहाँ पर दूसरा भी मैं इसी तरह से तैयार करूँगी। अच्छी तरह से हम चकलेट लगाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको डालेंगे फोक की मदद से कि ये अच्छी तरह से चारों तरफ जो है ना अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। और यहाँ पर भी हमने चकलेट लगा ली है, ऊपर थोड़े से हम इसके स्प्रिंकल डालेंगे, थोड़े थोड़े से हम इसके ऊपर स्प्रिंकल डालेंगे। इसे आपकी अपनी मर्जी, आप डालें ना डालें, स्प्रिंकल से ना इसकी थोड़ी सी ना लुक अच्छी आ जाती है बस। और मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर हमने स्प्रिंकल डाल ली है, साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये मेरे पास चॉकलेट या चोको चिप्स वाली देखिए इसको मैं डाल दूँगी बस ये थोड़ी थोड़ी सी ना। और यहाँ पर जी मेरे पास जो चॉकलेट थी, मिल्क चॉकलेट चिप्स थी, तो यहाँ पर जी मैंने ये देखिए चिप्स सारे लगा लिए, ऊपर स्टिकनर भी डाल दिए। और अभी इसको मैं फ्रिज में रखूँगी 10 से 15 मिनट के, ये इसकी चॉकलेट जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद।